इलेक्सोल कंपनी का जो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट 6 एम्पियर का, इसमें हम लोग मैक्सिमम कितने वाट पिक का सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितने एम्पियर का लोड इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन डेटा शीट निकाला है। इसमें मैक्सिमम सोलर पैनल वाटेज सपोर्ट जो है ये 75 वाट पिक का सोलर पैनल को सपोर्ट करता है, और अगर इसके मैक्सिमम लोड करंट की बात करें तो ये 4 एम्पियर तक के लोड को आसानी से सह सकता है। जैसे यहाँ पे 6 एम्पियर लिखा है लेकिन इसका मैक्सिमम पैनल करंट है 6 एम्पियर, जो लोड करंट है ये 4 एम्पियर है। किसी किसी सोलर चार्ज कंट्रोल में दोनों चीज सेम ही होता है, मैक्सिमम पैनल करंट 6 एम्पियर, लोड करंट भी 6 एम्पियर होता है। तो इसमें आप मैक्सिमम 4 एम्पियर का ही लोड लगाएं और सोलर पैनल जो है मैक्सिमम 75 वाट पीक का ही कनेक्ट करें तो ये सोलर चार्ज कंट्रोल बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और अगर इस सोलर चार्ज कंट्रोल के चार्जिंग और लोड एफिशिएंसी की बात करें तो ग्रेटर देन 90% है। तो ओवरऑल ये सोलर चार्ज कंट्रोल काफ़ी बेहतर है। और अगर आप 75 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 40Ah का ही बैटरी लगाएं, 12 वोल्ट में जो 40Ah वाली सोलर बैटरी आती है, और अगर 50 वाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 20Ah वाली ही बैटरी लगाएं, तब जाके ये सही से काम कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।